देखिए आ रिलेशन, आ रिलेशन, आर फ्रॉम, ए टू ए, सेट टू बी, इक्विवेलेंट इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, अच्छा एक रिलेशन इक्विवेलेंस तभी माना जाता है अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, तभी हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने एक सेट लिया नॉन एम्प्टी सेट 1 2 3। ठीक है बच्चे, सबसे पहले मैं ए क्रॉस ए फाइंड करूंगा। ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है बच्चे, एक रिलेशन लिया। अब देखिए, अब इसमें मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, मींस रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए बच्चे। अगर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, सेट ए का हर कोई एलिमेंट अपने आप के साथ ही रिलेट करता है। ठीक है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। मींस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। रिलेशन में 1 1 2 2 और 3 3, ये आना कंपल्सरी है। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिक। आपको बताइए, ये मैंने आइडेंटिटी रिलेशन लिखा, एवरी आइडेंटिटी सिमेट्रिक। आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, वो सिमेट्रिक तो होता ही है। अब मुझे सिमेट्रिक के लिए कुछ ऐसी एग्जांपल्स लेनी पड़ेंगी। जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 लेता हूँ, तो बच्चा मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा सिमेट्रिकनेस प्रूफ करने के लिए। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 3, बच्चे उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 3 भी लिखना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव भी शो हो, और उसके बाद यहाँ पे 3 1 एंड नेक्स्ट 3 2। अब ये रिलेशन चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब देखिए बच्चे, सिमेट्रिक की कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाइड है। 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 एंड 3 2। ठीक है, यहाँ तक सिमेट्रिक भी सेटिस्फाइड है और यहाँ तक रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाइड है। अब हमने मेन चेक करना है, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। बच्चे ट्रांजिटिव किस तरह से चेक किया जाता है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम होगा, तो जो आपका रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसका लास्ट एलिमेंट 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बच्चे ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम हुए तो क्या बचा, 2 और 3। 2 और 3 रिलेशन में आना चाहिए, 2 और 3 रिलेशन में आ रहा है। बच्चे यहाँ पे देखिए, अब इसका लास्ट एलिमेंट 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, 3 और 3, तो क्या बचा, 2 और 1। 2 और 1 भी रिलेशन में आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट एलिमेंट 3 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, 2 और 2 भी रिलेशन में आना चाहिए, 2 और 2 भी रिलेशन में है। ठीक है, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो ये जो रिलेशन होगा ना, ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस भी माना जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल और दे रहा हूं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसकी बात करूं अगर 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, अब इसमें है कि क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है या नहीं है। बच्चे ये देखो, ये पहली बात है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, उसके बाद सिमेट्रिक होता है, एवरी आइडेंटिटी सिमेट्रिक, और हमने ये भी लास्ट जब रिलेशन ट्रांजिटिव पढ़ा था उसमें हमने ये देखा है कि एवरी आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और मैंने बताया था कि अगर कभी आपको कोई ऐसा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ना मिले जो उस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन्स वो जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे 1 है, किसी का फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है, यहाँ पे लास्ट 2 है, किसी का फर्स्ट एलिमेंट 2 नहीं है, यहाँ पे लास्ट 3 है, किसी का फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं है,
इट मीन्स दिस रिलेशन इज ऑलरेडी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बात करते हैं बच्चे फाइव की, एम्प्टी से लेके चलते हैं। अब एम्प्टी, ये तो एम्प्टी रिलेशन है, मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, एक भी फेल होगा तो वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइव, फाइव मीन्स यहाँ पे तो ए बिलोंग ही नहीं कर रहा, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने ना ही इसके लिए सिमेट्रिक देखना है, ना ही हमने इसके लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन देखनी है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। बच्चे अगर मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ, वन वन की बात करता हूँ, ठीक है, या मैंने एक रिलेशन की एक और एग्जांपल दे दी, मैंने लिखा वन वन एंड टू टू। ठीक है, ये दो वैल्यूज लिखती। अब वन वन के लिए ये भी रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है, चाहे ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है और इक्विवेलेंस बिहेव कर रहा है, ए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सेट ए में टू और थ्री आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये टू टू डजेंट बिलोंग्स टू आर एंड थ्री थ्री ऑल्सो डजेंट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वन वन टू टू, ये भी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बट थ्री थ्री डजेंट बिलोंग्स टू आर, थ्री थ्री भी रिलेशन में नहीं आ रहा। इट मीन्स ये वाला रिलेशन भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हुई देन वो जो रिलेशन है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए की बात करें। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस ए हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन में, यूनिवर्सल रिलेशन में बच्चे जो भी है आपके ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी आता है, सिमेट्रिक भी आता है और ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है। इट मीन्स एवरी यूनिवर्सल इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंस रिलेशन। जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो भी क्या, ठीक है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्लास। इसकी डेफिनेशन है द क्लास ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट डेटा डेटा इन अ गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन, डेटा इन अ गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, जो भी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है बच्चे, इसमें जो भी आपने इक्विवेलेंस रिलेशन लिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है, इसमें जो जो एलिमेंट, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में रिलेट कर रहा है, जैसे वन इज रिलेटेड टू वन, हम इसे क्या रीड करते हैं, वन किसको रिलेट कर रहा है, वन को। यहाँ पे टू किसको रिलेट कर रहा है, टू को। यहाँ पे थ्री थ्री को, मतलब अगर मुझे इक्विवेलेंस क्लास वन की निकालनी हो, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन होता है कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन में वन जिस चीज के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, वो वन की क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास होगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ, द क्लास ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सेट दैट आर इन अ गिवन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें वन किसके साथ रिलेट कर रहा है, वन के साथ। यहाँ पे वन किसके साथ रिलेट कर रहा है, टू के साथ, और वन किसके साथ रिलेट कर रहा है, थ्री के साथ। इट मीन्स जो वन की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो क्या होगी, वन टू और थ्री। बच्चे इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट किया जाता है इस तरह। ठीक है, अब सेकेंड है टू। ठीक है, टू की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में टू किसके साथ रिलेट कर रहा है, टू के साथ, टू कर रहा है वन के साथ, टू कर रहा है थ्री के साथ। इट मीन्स टू की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, एक टू होगी, एक वन होगी और एक थ्री होगी। अगर मैं बोलूँ थ्री की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, बच्चे थ्री किसके साथ रिलेट कर रहा है, थ्री के साथ ही, थ्री वन के साथ भी, थ्री टू के साथ भी। थ्री की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वही वन टू थ्री। ठीक है, अब आपको पता है कि ये भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये भी आपका क्या बच्चे, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर मैं इसमें इक्विवेलेंस क्लास निकालने की बात करूं, ठीक है, इस सेकेंड एग्जाम्पल में वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वन ही होगी। ठीक है, उसके बाद टू की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी बच्चे, टू ही होगी। उसके बाद मैं बोलूँ थ्री की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, थ्री ही होगी। ठीक है, ये होती है इक्विवेलेंस क्लास, मतलब किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में